नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के नीट के एग्जाम का सवाल है इट सेज़ अ बॉडी वेज 200 हंड्रेड न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर हम uh, नीचे जा रहे हैं टनल हम खोद के तो वहाँ पे जब हाफ वे डाउन आर बाय टू पे कितनी वैल्यू होगी हमें बताना है ऑप्शन दिए हुए हैं हंड्रेड न्यूटन वन फिफ्टी न्यूटन टू हंड्रेड न्यूटन या फिर टू फिफ्टी न्यूटन सिंपल सवाल है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ़ अर्थ का हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट uh, तो ये आपका अर्थ रेडियस आर ई आप इस डेप्थ डी पे गए हैं और इस डी की वैल्यू है आर ई बाई टू आपने कोई इफेक्टिव जी की वैल्यू पता है जी विल बी जी डैश विल बी इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस डी बाय आर ई डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपने डी की जो वैल्यू है ये हम रख सकते हैं आर ई बाय टू सो इससे अपना एम्प्लाईज जी डैश की जो वैल्यू आ गई वो हो गई यहाँ पे रखा आर ई बाय टू आर ई आर ई कैंसिल हो गया वन माइनस वन बाय टू सो so, ये हो गया जी बाय टू ना कि इसकी वैल्यू अगर जी बाय टू हा मतलब उस जगह पे आपका इफेक्टिव एक्सलेशन g डैश जी बाय टू हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट जो है सो तो उसका वेट आता है एम जी तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे इस वेट की वैल्यू 200 न्यूटन है सरफेस पे इसकी वैल्यू 200 न्यूटन है तो आपका इस लोकेशन पे जाके इसकी वैल्यू उसका हाफ हो जाएगी सो दैट विल बी 100 Newton that implies option number A 100 Newton will be the right answer.